वेलकम बैक टू माई चैनल। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि फिर से मेकअप लुक लेके क्यों आई है, मतलब कि बन ठन के क्यों आई है। इसका एक पर्पस है और इसके पीछे एक लंबी सी स्टोरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइस, मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ, एक नहीं मैं काफी यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ, पर मैं अभी सबका नाम नहीं ले सकती। और जिसकी वजह से ये स्टोरी बनी है मेरी आज की ब्लॉगिंग, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी, वो है ज्योति शेट्टी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टैलेंटेड यूट्यूबर है। सो मुझे बहुत पसंद है, खास उनकी नेचर, उनकी ऑनेस्टी, सब कुछ पसंद है। तो अगर आपको उनके चैनल पे विजिट करना है, आप उनके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे उनके चैनल का लिंक रहेगा। सो मुद्दे की बात ये है कि उन्होंने अपने एक वीडियो पे एक पश द ब्रश चैलेंज किया था कुछ यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ, पर अभी क्या है, उन्होंने फिर से वो चैलेंज रखा टुवर्ड्स द यूट्यूबर, मतलब कि जो ग्रोइंग यूट्यूबर है, जो अभी अभी स्टार्ट किया है चैनल और अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, वो उन सब यूट्यूबर के लिए ये चैलेंज रखे हैं, पश द ब्रश चैलेंज। मतलब कि नॉर्मल लुक से आपको बन ठन के आना है और वो ब्रश, एक फ्लफी ब्रश आपको यूज करना है। ऐसे चैलेंज आप सब टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे देखे होंगे। तो बात ये है कि उन्होंने जो चैलेंज रखा था गाइस, वही चैलेंज में करने के लिए मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। आई डोंट नो कि मैं ज्योति शेट्टी के चैनल पे फीचर हो पाऊंगी कि नहीं, मतलब मैं आ पाऊंगी कि नहीं। अगर उनके वीडियो पे आ भी गई तो कितनी विजिबिलिटी मिलेगी, आई रियली डोंट नो। बट हाँ, मुझे अच्छा लगा ये चैलेंज, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। वैसे मैं टिकटॉक भी ज़्यादा नहीं करती, तो इस चक्कर में टिकटॉक का जो ट्रेंड चल रहा है, टिकटॉक इंस्टाग्राम जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें मैं शामिल हो पाऊंगी, पार्ट ले पाऊंगी। हो सकता है मैं अपने जो सोशल साइट्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी मैं अपलोड करूँ ये वीडियो। तो बात ये है कि मैं उनके चैनल पे फीचर हो पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, पर हाँ, ये गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने कल रात को बहुत बड़ा पंगा किया अपने साथ, मतलब कि ऑलमोस्ट पंगा ले ही चुकी थी थोड़ी देर में, तो मतलब मेरी अखंड पाप कर बैठती, मैं सत्यानाश हो जाती। जो मैंने किया गाइस वो बस आपको देखना होगा, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं मैं क्या करने जा रही हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सारे पार्लर वगैरह सब बंद है, पर मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे आईब्रोज जो है, मेकअप में अगर कुछ कमी दिख रही है तो मेरे आईब्रोज के जगह पे दिख रही है, तो मैं क्या करूँ ऐसा जो अच्छा लगे। तो इसलिए मैंने सोचा, थ्रेडिंग करना नहीं आता, ना ही जो सुनर होता है जिससे ऐसे खींच खींच के बाल को काटते हैं, वो भी नहीं आता है, तो आई एम गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस। यस, आई एम गोइंग टू शेव माई आईब्रोज। आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, बट आई एम एक्साइटेड। ओके, लेट्स सी कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं। ओके, सो आई एम गोना, ओके यहाँ पे मिरर है तो मैं मिरर देख ही करूँगी, मैं कैमरे में देख के नहीं करना चाहती, क्योंकि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, गलत हो जाएगा तो मेरे आईब्रोज ही पूरा ख़त्म हो जाएगी। कंपटीशन पार्टिसिपेट तो क्या, मैं घर से बाहर निकलने का भी रिस्क नहीं ले सकते अपने रूम से, तो ये मैं करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई भी किया है और ये अच्छा भी लग रहा है, ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे का मैंने साफ किया है तो अच्छा लग रहा है, यहाँ का नहीं किया है, देखती हूँ मैं आखिर कितना कर पाते हैं। सो इट्स वेरी रिस्की, वेट फॉर इट। बहुत ही एक एक बाल देख के मैं इसको शेव कर रही हूँ। ओके, सो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। और ये मेरा शूट करने का ऐसा तरीका है कि एक्चुअली मैं घर पे हूँ और मैं सोने जा रही थी, तो मैंने सोचा ये शूट कर लो, तो अगर कुछ बिखरा बिखरा है तो प्लीज़ इग्नोर। एंड मुझे इस साइड का करना है, ये साइड मुझे हमेशा रिस्क लगती है, एक्चुअली मैं पार्लर भी जाती हूँ तो लेफ्ट साइड का बोलते हैं। एक्चुअली ये फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ मोबाइल के, अगर ये साइड राइट लग रहा है आपको तो ये मिरर इफेक्ट है, ये एक्चुअली मेरा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो राइट साइड तो ठीक हुआ थोड़ी बहुत चलने लायक, लेफ्ट साइड का करना है मुझे। आई थिंक इसको खोल लेना ज़्यादा सही होगा, टूटा तो नहीं ना कहीं से, तो आई थिंक इसको मैं ऐसे खोल लूँ तो ये पकड़ने में हेल्प होगा। ऐसा लग रहा है मैंने कुछ आईब्रोज उखाड़ ले यहाँ से अपना, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है यार। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी बहुत ये हो पाई है, थोड़ी बहुत पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो,
तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे यहाँ पे बाल जो बड़े बड़े यहाँ पे थोड़े कट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी कैंची की ज़रूरत है जो कि ये एक्स्ट्रा बाल निकालते होंगे। ओके, सो आई जस्ट डन माई DIY स्पेशलिस्ट आईब्रोज। वैसे अच्छा आइडिया, नहीं ये टाइटल रख लूँगी मैं, DIY स्पेशलिस्ट आईब्रोज, चल जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पहले से थोड़ा बेहतर है, इससे ज़्यादा बेहतर करने जाऊँगी तो क्या पता कि कहीं उखड़ ही जाए पूरा, तो इससे अच्छा है सही है। तो ये कर्ल मैंने किया था एंड ऐसा मैं किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हुई। एक्चुअली मैं जब डांसिंग करती थी वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी, मतलब छोटी मतलब मुझसे छोटी थी, उसने मेरे को एक बार ब्लेड से यूज़ करके उसने मेरा आईब्रो करके दिया था। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बिना आईब्रो किए मेकअप शूट करना। आई थिंक मेरे आईब्रोज अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने पिछले भी बिगिनर्स के लिए एक मेकअप वीडियो शूट किया था, वो भी उसमें थोड़े आईब्रोज की वजह से ही मुझे लगा थोड़ी कमी लग रही थी वीडियो पे, तो मैंने ये किया अपने साथ। एंड मुझे आई थिंक लगता है कि ठीक ठाक ही किया मैंने, मेरे आईब्रोज अभी थोड़े ठीक लग रहे हैं। पर हाँ, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, जब रेजर से नहीं हो पा रहा था मैंने लास्ट में ब्लेड यूज़ किया था, वो मैंने क्लिप नहीं रखा यहाँ। तो गाइज, वीडियो शूट करते वक्त मुझे जो परेशानियाँ झेलनी पड़ी, पहले तो मैंने अपना ब्लेड से एंड रेजर यूज करके अपने आईब्रोज बनाए। आईब्रोज बनाने के बाद क्या हुआ, मैं सुबह उठी, उठ के मैं पहले ही सोचा कि मैं बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि किसी और के चैनल पे, फिर सोची कि उनके चैनल पे आऊंगी ऐसे, मतलब क्या मेरे चैनल के लिए अच्छा इफेक्ट होगा कि किसी और के चैनल पे आके फीचर करना एंड ऑल। पर मैं बहुत सोची, सोचते रह गई, बहुत सोची, छत पे सोची, मतलब मैं सोची बहुत देर तक। सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। फाइनली मैं एंड शुभम, हम दोनों को ये बिलीव है, कहीं पे अगर हम लोग हार्डवर्क करेंगे तो हमारा चैनल ऐसे ही ग्रो होगा। अगर आप में टैलेंट होगा, मतलब वी नो दैट टाइम लगता है उसमें, तो हम टाइम भी ले रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। कभी कभी डिप्रेशन होने लगती है अंदर से, पर डिप्रेस नहीं होते, हम सोचते कि नहीं ये करना है, करना है, करना है, करते जाना है, आगे का नहीं सोचना है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं फीचर हो पाऊंगी, नहीं वो मैटर नहीं करता है, और मैं फीचर हो भी गई तो उनसे विजिबिलिटी मिलेगी, इतना भी श्योरिटी नहीं है कुछ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल खराब होगा। अगर उन्होंने ये यूट्यूबर के लिए रखा है तो बहुत सारे यूट्यूबर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों ना ट्राई करूँ। तो ट्राई करने में हर्ज ही क्या है, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना करने से अच्छा है ट्राई करना। तो मैंने ये ट्राई किया, अगर उनके चैनल पे मैं फीचर हो पाई ना पाई तो मेरे लिए एक फन सी हो रही है अभी, वीडियो शूट करना, ये करना, वो करना, मतलब ये कोई चैलेंज के लिए, तो ये वन काइंड ऑफ मुझे मजा भी आ रहा है। अगर मैं फीचर हो पाई तो ठीक है, अगर नहीं भी हो पाती हूँ तो भी चलेगा, तो एक वन काइंड ऑफ मैं उनके साथ अच्छी तरीके से जुड़ भी जाऊंगी। तो मैंने ये ट्राई किया एंड ट्राई करने के बाद तो फिर आगे का स्टोरी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा। अब तो दे दो, यहाँ देना था, यहाँ हाथों में। अरे तू बाला पहले संभाल ले पहले। काफी चाहते हैं अचानक पानी को साफ और मौसम खराब होने के कारण कनेक्ट कर दिया गया है। शूट जो है गाइस चली रही थी, उस बीच में लाइट चली गई क्योंकि अभी जो है बहुत तेज बारिश होने लगी और तूफान भी आ गई। देख पाओगे आप मेरे सारे बाल बिखर जा रहे हैं, इधर बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, यहाँ बहुत ही मस्त मौसम लग रहा है यार। इस वजह से शूट जो हो रही थी, मतलब ऑलमोस्ट बन चुकी थी, वो रुक गई। वैसे अभी बज रहा है 4:45 एंड ऑलमोस्ट 5:07 बाकी है, एंड अभी आप अंधेरा समझ ही पा रहे होंगे। अभी क्या है, मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया क्योंकि मैं कल रात को एडिटिंग कर रही थी सारे सुबह के 4:30 तक, एंड 4:30 के बाद मैं कोई फिर उठी 10:30-11:00, फिर 12:30-12:30 ब्रेकफास्ट किया मैंने। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं काम पे लग गई एंड लंच करने का टाइम नहीं मिला। मैं बस ये शूट कंप्लीट करके, मतलब आधा शूट कंप्लीट करके जाने ही वाली थी लंच के लिए, इधर लाइट भी चली गई और तूफान भी आने लगी और बिना लाइट के खाना अच्छा भी नहीं लगता, तो फिर भी मैं चाहती हूँ ऐसे ही अंधेरे में खा ली, तो भूख भी लग गई। राइस है, चिकन है,
आज वेडनेसडे है एंड वेडनेसडे पे हम लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ ना कुछ नॉनवेज बनेगा डेली मीटिंग। और यहाँ पे चिकन को जब मतलब देर होगा वहाँ चिकन होगा, चिकन भुना भी करेंगे, अलग से चिकन होगा और यहाँ पे चिकन करी भी होगी। आज का बस एक नींबू की ज़रूरत है, तो नींबू भी है, मुझे ये लगा नींबू है। क्या ये आम का टुकड़ा मम्मा काट के रखती है, चलिए अंदर में दिख ही नहीं रहा। अच्छा तो ले लिया नींबू का दो टुकड़ा लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा नींबू ज़्यादा चाहिए, अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा बनता है तो मज़ा आता है। मम्मा जो कढ़ाई से अलग भी नहीं किया, तो मैं डायरेक्टली कढ़ाई से ही लेकर पहले क्या खाऊँ, पानी पानी नहीं ले लिया, ये रहा पानी का बॉटल। इतना सुंदर नज़ारा हो रहा है यार, दिस इज़ जस्ट ऑसम। मेरे घर की छत से अभी का जो व्यू है ये है, ऐसा लग रहा है यार लंदन में हूँ। मतलब अगर ये पेट्रोल पंप को फोकस नहीं किया जाए, इसको फोकस किया जाए बेसिकली, तो ऐसा लग रहा है मैं कहीं समुंदर किनारे सूरज डूबते हुए नज़ारा देख लूँ खड़े खड़े, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और सच बात बोलूँ तो लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन भी इतनी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि तूफ़ान बेसिकली जब होती थी पिछले साल, उससे पिछले साल तो क्या होता था ना गाइस, कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी घर पे आ जाती थी, मतलब तूफ़ान के साथ साथ खिड़की दरवाजे से, मतलब खिड़की दरवाजे देते देते सारी धूल मिट्टी बाहर की घर पे आ जाती थी। बट इस बार मैंने ये नोटिस किया कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा फ्रेश और सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे। एंड जैसे ही बारिश वगैरह बादल सब खत्म हुई, फिर से शूट किया एंड फाइनली वो रात तक ख़त्म हो पाई। और बीच में तो लाइट भी चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी 3 घंटे के लिए, तो मैंने फिर से उसको शूट किया अच्छे से, एक शूट में ले पाई अच्छा खासा। एंड उसको ख़त्म करने के बाद सुबह उठ के मुझे लगा कि नहीं मेकअप करके ब्लॉग बना लेती हूँ, और वो वाला वीडियो पास्ता ब्रश चैलेंज का वीडियो भी ख़त्म कर लेती हूँ एक ही बारी, मतलब दोनों काम हो जाएगा मेरा। तो अगर आप मेरे चैनल पर बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके और भी मस्ती मजाक DIY में बनाती रहती हूँ, एंड मेकअप वीडियो, ट्यूटोरियल्स, मतलब कि मेरे लाइफ से जुड़ी हुई, मैं जो जो चीज़ मुझे लगता है मैं कर पाऊँगी वही सारे चीज़ों की वीडियो में बना के अपलोड करती हूँ। तो होप सो कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट्स होंगे। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल का, एंड बेल वाले नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप टू दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट and share to all of your friends and your WhatsApp and Facebook status groups also. And guys, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो सपोर्ट करते रहिए, stay tuned for more. Thank you so much. Okay, so this is it. मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड लव फ्रॉम कोलकाता, बाय।